हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं नवरात्रि पूजा के लिए सफाई कर, नवरात्रि पूजा यानी हमारे यहाँ जो शीतला माता का पूजा होता है, नवरात्रि तो फर्स्ट दिन से ही शुरू हो जाता है लेकिन शीतला माता का जो पूजा होता है उसकी सफाई के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और पूरा सामान पूजा रूम का जो है वो बाहर करके इसके बाद मैं सोची कि अच्छी तरह से क्लीन करें। सारा सामान, फ़ोटो जितना था, मूर्ति, वो सारा मैं निकाल दी। साउंड को मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि बाहरी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए। और सारा निकाल करके इसके बाद मैं पूरा अच्छे से क्लीन करें क्योंकि माता रानी पूजा है, माता रानी मेरे घर आ रही हैं। और अच्छी तरह से सफाई करके और इसके बाद ही पूजा करना चाहिए। और दीपावली के बाद मैं जो भी फोटो वगैरह था वो मैं बाहर नहीं की थी, इसलिए सोची कि इस बार पूरी तरह से बाहर करके और इसके बाद क्लीन करें। साथ में पुलिस भी मेरा हेल्प कर रहा है, सारा पोछ करके और इसके बाद मैं पेपर रख करके और फिर सजाऊंगी सारा फोटो। और घर में कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले घर को साफ़ सुथरा करना पड़ता है। ऐसे पूजा रूम तो नीचे मैं पोछती रहती हूँ लेकिन इस तरह से फ़ोटो हटा करके नहीं कर पाती, तो सोची कि सारा चीज़ हटा करके अच्छे से क्लीन करने। और सप्तमी को हमारे यहाँ होता है शीतला माता का पूजा, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो पूजा फिर करते हैं आगे। और इस तरह से मेरा तबीयत जो ख़राब हुआ बीच में तो मेरा पूजा नहीं हो पाया सप्तमी को, तो रामनवमी के दिन ही पूजा होगा। और दोनों चीज़ यानी रामनवमी को जो झंडा लगता है हनुमान जी का वो, और फिर साथ में शीतला माता का पूजा, मतलब दोनों पूजा एक साथ ही करेंगे। ऐसे मैं पहले कर लेती थी, थोड़ा सा लगता था कि इससे काम कम हो, लेकिन अब तो दोनों पूजा एक साथ होगा। तो देखिए मेरा पूजा घर क्लीन हो गया और सारा सामान मैं एडजस्ट कर दी, फोटो और जो भी पूजन सामग्री होता है सब कुछ क्लीन करके। और जितना भी पूजन सामग्री है आटा पिसवा करके यहाँ रखे हैं, और जो फल वगैरह जो भी है पूजा का सामान वो मैं यहाँ पर, वो भी मुझे यहाँ पर रखने के बाद लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ा है क्योंकि चींटी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है, लक्ष्मण रेखा खींच करके मैं यहाँ रखी। और सारा बर्तन क्लीन करके और छत पर रख दी। ये देखिए नाइट हो गया करते करते, 5 बजे से लगी थी, 7 बज गया, 2 घंटा 7 से भी ज़्यादा हो गया है। पूरा पूजन का जो भी बर्तन होता है प्रसाद बनाने का, सारा मैं क्लीन कर दी और यहीं पर प्रसाद भी बनाएंगे। फिर आया नीचे और ये देखिए समोसा मेरे हाथ में। अब भाई इतना काम किया है तो खाना तो बनता है, क्रिस ला करके रख दिया है और आ नहीं रहा है, मैं उसे बुला रही, नहीं आएगा तो फिर तो मैं सारा खा ही जाऊंगी। और समोसा बताइए किन किन को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है समोसा। और मैं खाने के बाद फिर सोची चलो खाना जल्दी बनाते हैं क्योंकि जल्दी बना करके और किचन भी क्लीन करना है, सुबह सिर्फ उठ करके और प्रसाद बनाना रहेगा बस, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी फटाफट काम में लग गई। जल्दी से खाना बना करके और सबको खिला दे और उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग, और सुबह उठ करके बस पूजा का काम करना होगा, प्रसाद बनाना, फिर घर में पूजा करना और साथ में मंदिर भी जाना होता है, और फिर रामनवमी का जो झंडा लगाना है वो भी, तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी अगर सारा कुछ किया हुआ रहे तो कुछ आराम रहेगा मुझे। फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ और इसके बाद सब लोग जल्दी से खाना खा चुके हैं और मैं लग गई किचन सफाई करने में। और फर्श क्लीन की छवि ऊपर नीचे सब जगह पूछा वही मार दी। सारा कुछ करने के बाद ही मैं सोची कि सोऊंगी क्योंकि अगर थोड़ा सा भी काम अगर रह गया इधर का तो फिर वो काम तो और लेट हो जाएगा। धूप का दिन भी है, मंदिर भी जाना, और मंदिर हमारे यहाँ धूप तो ज़्यादा नहीं है लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा होता है वहाँ का। फ्रेंड्स ये रहा मेरा क्लीन किचन, पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है ऊपर से नीचे तक, सारा घर बहुत अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि कोई जंग जीत चुके हैं, बहुत बड़े जंग जीत चुके हैं सचमुच। अगर घर में पूजा पाठ हो और ये सब काम करना पड़ता है और जल्दी हो जाता है, मतलब हो जाने के बाद अच्छा फील होता है। नाइट के करीब 12 बज चुके हैं और मैं चली सोने। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।